ये हमारा जो प्रशासन है वो पूरे तरह से सिविल सोसाइटी को साथ रख के काम करना चाहता है। तो अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अनेक कोऑपरेटिव्स हैं, अनेक एनजीओज हैं जो इस आयोजन में जुड़े हैं और हम पूरे जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का सहयोग इसमें चाहते हैं। सर, काफ़ी अरसे के बाद इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, 370 हटने के बाद हमने देखा कि कई पॉलिटिकल नहीं, मैंने आपको एक बात कहा कि एक नई पहल प्रारंभ की है हमारे पीआरसी ऑफिस ने और जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। अब राजनीतिक सवाल लेने के लिए मैं नहीं हूँ, लेकिन आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी जिसकी उपेक्षा हुई थी वो अब सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है और मैं समझता हूँ कि जब विकसित भारत बनेगा तो समाज के हर वर्ग का योगदान होना चाहिए। इसी उद्देश्य से ऐसे तमाम लोगों को जो अब तक छूट गए थे मुख्य धारा से उनको जोड़ने की कोशिश की एक गई। और अहम सवाल है सर, बस लास्ट, जम्मू कश्मीर को लेकर के लोगों के मन में एक संशय रहता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ की परिस्थितियाँ नहीं। मुझे लगता है कि ये संशय आप लोग यहाँ बैठ करके पैदा करते हो, क्योंकि जो आंकड़े हैं हमारे वो आज़ादी के बाद 2 साल पहले करीब 1,87,00,000 लोग गए, पिछले साल 2,17,00,000 लोग गए, फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में 2.5 गुना G20 के आयोजन के बाद 2.5 गुना वृद्धि हुई है। तो ये देश में किसी को संशय नहीं है, दुनिया में किसी को संशय नहीं है। कुछ लोग हैं जो संशय पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनकी जमात में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है।